हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी ने देखे, फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन कराए थे और सेकंड चैप्टर का भी डिस्कशन कराए थे, और सेकंड चैप्टर में जितना बच गया है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसको हम समराइज करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े, रासायनिक परिचय, और रसायन को जो है सबसे पहले कनाद ऋषि ने क्या बोले थे कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये कनाद साहब ने बोले थे। कहाँ के, भारत के थे, और वो बोले थे जितने भी कण हैं तो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और रसायन में हम किसका अध्ययन करते हैं, रसायन में जो है छोटे रसायन में कोई भी पदार्थ या संरचना का अध्ययन करते हैं। अगर पदार्थ है तो उसका संरचना क्या है, उसका केमिकल गुण क्या है, उसका आकार क्या है, आकृति क्या है, उस केमिस्ट्री में उसका क्या योगदान है, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें, केमिस्ट्री में, ये सब हम पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन सबका एक समराइज कर देते हैं। 5 से 6 मिनट में अगर सब हो जाता है तो क्या, जितना पढ़े हैं फिर से रिकैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर केमिस्ट्री अगर यदि पूछे एग्जाम में आ जाए, केमिस्ट्री के फिदा जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, एंटोनियो लेवोजियर को बोला जाता है। अगर पूछेगा हाइड्रोजन का नामांकन किसने किया था तो वो भी हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी पूछे नामांकन तो ये हो जाएगा एंटोनियो लेवोजियर। और उसके बाद पूछे कि दहन की प्रक्रिया सबसे पहले किसने किए थे तो एंटोनियो लेवोजियर हो जाएगा। ये सब हम पढ़ लिए थे, फिर से रिकैप हो गया। और उसके बाद रसायन का इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, रसायन को हम कितने प्रोसेस में पढ़े थे, इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए, किसके लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम तीन भागों में विभाजित किए थे। पहला था भौतिक रसायन, तीसरा था कार्बनिक रसायन, चौथा था अकार्बनिक रसायन। इतना पढ़ लिए थे, भौतिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, और कार्बनिक रसायन क्या होता है, उस सब के भी बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद तब हम क्या किए थे, 20 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थे और उस सब के बारे में हम बताए थे। और आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था और पदार्थ क्या होता है। हम सब के मन में जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट किए होंगे तो पदार्थ आ गया था कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ के बारे में बताए थे कि दुनिया में वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, उसको हम क्या बोलते थे, पदार्थ बोलते थे, द्रव्य बोलते थे। अब इसके बाद हो गया, जिसमें इसमें आ गया था द्रव्यमान आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। द्रव्यमान क्या होता है, जैसे पदार्थ के बारे में बताए थे पदार्थ है, तो इसमें क्या क्या आ गया था, इसमें आ गया था मास द्रव्यमान। फिर इसके चर्चा किए, द्रव्यमान आने के बाद तब क्या आ गया था, आयतन आया था। सबको हम बारी बारी के हम चर्चा किए थे। और द्रव्यमान होता है कोई भी पदार्थ में जितना मात्रा उसका कंटेंट है, उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते थे, द्रव्यमान बोलते थे। और इसी में द्रव्यमान का अगर पूछ देगा इकाई क्या होता है, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, मेजर करते हैं, इसको केजी में मेजर करते हैं। और आयतन का पूछ दे, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, अगर कोई रखा हुआ है तो कितना स्पेस छेक रहा है उसका हम मेजर करते हैं आयतन। वॉल्यूम इसका हम मेजर किस में करते हैं, आयतन का हम करते हैं मीटर क्यूब में। आयतन 3D फिगर का होता है, L×B×H, मीटर किए थे तो मीटर क्यूब आ गया था, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, इसमें पदार्थ ये सब पढ़ लिए थे, अब इसके अवस्था की बात करें तो हम तीन अवस्था आपके बारे में बताए, इसके पदार्थ के बारे में बताए थे आप सबों को। इसमें क्या क्या था देखिए, इसमें पहला था ठोस, दूसरा था द्रव, और तीसरा गैस। ये सब के बारे में चर्चा किए थे। ठोस क्या होता है, जिसका आयतन एवं आकार क्या हो, निश्चित हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। और जिसका द्रव किसको बोलेंगे, जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, उसको द्रव बोलेंगे।
एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वाटर हो जाएगा, वाटर के बाद क्या वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, लिक्विड जितना भी है सब आ जाएगा इसमें लिक्विड में। जब हम ठोस के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जितने भी ठोस पदार्थ जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, जब जितना भी मटेरियल है ठोस है उसको हम ठोस में मेजर करते हैं। जैसे गैस में आ गया जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या हो अनिश्चित हो उसको हम गैस कहते हैं। गैस में जैसे हो गया LPG हो गया, CNG हो गया, ये सब किस में आ जाता गैस में। ठीक है, यहाँ तक चर्चा कर डिस्कस कर लिए थे, आगे अब देखते हैं ये किस आधार पे था। ठोस द्रव गैस ये सभी भौतिक आधार पे था, लेकिन एक इसका और स्पेशल बताए थे। स्पेशल दो कौन कौन था, एक था प्लाज्मा और दूसरा था बोस आइंस्टीन। इसमें पहला था प्लाज्मा और सेकंड था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो क्या बोलिएगा प्लाज्मा। ठीक है, और अगर पांचवी अवस्था पूछ दे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या बताए थे, इसमें आयनीकृत अवस्था है। आयनीकृत अवस्था कहने का मीन्स क्या होता है, इसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, आयन के रूप में होगा। ठीक है, कौन होगा आयन के रूप में, प्लाज्मा। इसका हम बताए थे टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली होता है 20,000 पर डिग्री सेल्सियस, किसका प्लाज्मा का होता है। ठीक है, अब आगे इसमें सब इसका पढ़ लिए थे, इसमें छह प्रोसेस कल बताए थे, छह प्रोसेस का भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस क्लास का PDF मिले, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में जा कर के बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर पूछ सकते हैं और वहाँ से आपको जितने भी क्लास चल रही है डिप्लोमा की, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की, आपके जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब का PDF एक प्रॉपर वे में मिलते रहेगा। क्लास डेली प्रॉपर वे में चल ही रहा है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको पेन कॉपी प्लस पेन साथ में लेके बैठना है। जैसे ही क्लास अगर मान के चलिए 30 मिनट का चला, आप 10 मिनट पहले बैठिए, 10 से 20 मिनट उसमें क्या कीजिए, अब हम जितना पढ़ाए पीछे लेक्चर देख लीजिए, शुरू लेक्चर कहाँ सिलेबस से स्टार्ट कीजिएगा, सिलेबस से लेकर के लेटेस्ट अभी तक जहाँ तक लेक्चर आ रहा है उसको पीछे वाला जितना पढ़ लिए उसको एक बार फिर रिकैप कर लेंगे प्रॉपर वे में पूरा स्पीड में कि हाँ ये पढ़े हैं पदार्थ की इतनी अवस्था होता है और इसमें रसायन इस सब के बारे में जितना पढ़े हैं एक बार पूरा पढ़ लीजिए 10 मिनट में। अगर डेली करते हैं, कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिएगा क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे क्या होगा सामने आएगा और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका बेस्ट रिजल्ट भी आएगा। अगर ये करना स्टार्ट करते हैं आपको 1 से 2 महीना में आपको अंदरूनी लगने लगेगा कि नहीं हम कुछ जानते हैं, अब कोई एग्जाम में अगर बैठते हैं तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 प्रोसेस बताए थे उसको एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं एक नज़र में।
उससे पहले देखते हैं द्रव द्रव की अवस्था में जो चेंज होता है, किसमें द्रव की अवस्था में जो चेंज होता है, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा बताए थे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कल बताए थे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में होता है ये, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कल बताए थे, यह अस्थायी होता है, बताए थे ना, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें इसमें कोई अगर यदि एक बार चेंज हो गया तो दोबारा नहीं, इसमें क्या बताए भौतिक परिवर्तन में, यहाँ देखिए यहाँ लिखिएगा इसे, भौतिक परिवर्तन में बताए थे यह अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या, जैसे मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन था। भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जो एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा अपने पुनः स्टेट में आ जाए, यानी अवस्था में आ जाए, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब आगे है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन परमानेंटली होता है, यानी कि एक बार अगर चेंज हो गया तो फिर दोबारा हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध से दही बन गया तो हम दही को फिर से दूध में तो नहीं ला सकते हैं। ये किस में कौन चेंज हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें देखे थे दोनों का एग्जाम्पल देखे थे और सबका प्रॉपर्टीज देखे थे, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, सबका अरेंज किए थे बढ़ते से बड़का से छोटका की ओर, ये थे ना। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट के बारे में बता दिया, इसका टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री, अगर एग्जाम में आ जाता है तो कितना लिखेगा, इतना टेम्परेचर होता है कि इसका प्लाज्मा स्टेट का, प्लाज्मा स्टेट का टेम्परेचर होता है। ठीक, ये सब हम चर्चा कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं उससे। अब देखिए इसमें 6 प्रोसेस बताए थे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हम सबका एक ही मकसद है कि किस तरह से हम एग्जाम में केमिस्ट्री अगर 30 का आता है तो 30 में 300 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो बेस टेक्निकल एकेडमी से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे आपको बताया जाता है उस तरह से करते हैं, 30 में 30 आप जरूर ला सकते हैं। और उसके लिए आपको पेशेंस और जैसे जैसे निर्देश गाइडलाइंस दिया जाता है उसको फॉलो करते रहिए। देखिए आगे क्या क्या होता है, 6 प्रोसेस के बारे में बताए थे, 6 प्रोसेस। इसमें पहला में है गलन, गलन। सेकंड में है वाष्पीकरण, थर्ड में है संघनन, फोर्थ में है हिमीकरण, और फाइव में है उद्वपातन। इसको बोलते हैं मेल्टिंग, इसको वेपोराइजेशन, इसको कंडेंसेशन, और इसको फ्रीजिंग मीन्स जमना, उत्पातन सब्लिमेशन। जिस टेम्परेचर पे, जैसे देखिए सबका
सबका बारीकी से एक एक करके बताते हैं। इसमें गलनांक, गलनांक है जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। गलनांक बिंदु या इसी को बोले तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। अब वाष्पीकरण वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, इसमें जो है लिक्विड स्टेट से किस में जाएगा, लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगा किस में, गैसियस स्टेट में, किस में हो जाएगा, वेपोराइजेशन में। अब कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन में हो जाएगा गैसियस स्टेट टू चेंज किस में होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और इसमें फोर में क्या है, फोर में है जैसे इसमें किस में चेंज हो जाएगा, इसमें लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट चेंज टू सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल बताए थे जैसे वाटर, वाटर है उसको अगर जम जाएगा तो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, आइस हो जाएगा। और इसमें एक और बताए थे कि कौन ऐसा मटेरियल है या पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं या रह सकते हैं, तो वाटर है। क्या है, वाटर है। वाटर का फॉर्मूला बताए थे, वाटर का होता है H2O, ठीक है। उसके बाद है डिपोजिशन, निक्षेपण। अब सिक्स नहीं लिखे थे, सिक्स में है निक्षेपण डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या चेंज होता है, डिपोजिशन में चेंज होता है गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट में होगा, विदाउट चेंज इन गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा। कब ये जाएगा, इस सॉलिड गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा बिना द्रव्य अवस्था में गए, चल जाएगा किस में, सॉलिड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निक्षेपण। इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बहुत अच्छी तरीके से इसका क्या डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका अभी क्विक रिवीजन था कि हम जो पीछे पढ़ लिए हैं उसको फिर से दोबारा रिकैप कर लें। ऐसा नहीं कि हम आगे जो पढ़ लें, पीछे पढ़ लिए हैं, क्या पता उसी से दो एक या दो तीन क्वेश्चन पूछ दें। अगर हम रिपीट करते जाएंगे, अगर यदि आपको रिपीट करते जाएंगे, अगर इससे जो भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत उसको क्या कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं सेकेंड चैप्टर में। अब आगे ये तो हम फिजिकल चेंज पढ़े, इसमें क्या सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन, उसके बाद ये सब प्रोसेस सब पढ़े फिजिकल चेंज में। अब केमिकल चेंज, केमिकल बेस पे रसायन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखते रासायनिक गुणों के आधार पर
तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला में क्या है? पहला में है तत्व, दूसरा में क्या है? यौगिक, और तीसरा में क्या है? मिश्रण। अब हमें देख, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको लगेगा कि हाँ अब हम केमिस्ट्री में इंटर कर रहे हैं। इसमें आपको जो है एलिमेंट के बारे में पता करना, एलिमेंट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। जैसे एलिमेंट की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, ये सब के बारे में आगे देखेंगे। किसमें? जब हम इसका एलिमेंट में पढ़ते हैं, यो क्या कंपाउंड क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। अब सबसे पहले एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट, इसका हम चर्चा करते हैं। एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट एलिमेंट का देखिए, यहां से अगर एक अच्छा सा हेडिंग देते हैं एलिमेंट का तत्व, अब उसका डेफिनेशन देखते हैं और होता क्या है इस सब के बारे में देखते हैं। फर्स्ट में है तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे वह सूक्ष्मतम कण जो फ्री स्टेट में हो, किस में हो? स्वतंत्र अवस्था में हो, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में हो, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट, तत्व बोलेंगे। अब आगे इसका देख क्या, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु, इंग्लिश में एटम। एटम कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वह सूक्ष्मतम स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और डिवाइड नहीं कर सकते किसको? सूक्ष्मतम कण, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, सूक्ष्मतम कण को हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, एलिमेंट में हो गया ये, अब एलिमेंट, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट,
तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए, सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बांटते हैं। अब इसमें क्या क्या है आगे देख, इसमें क्या क्या पढ़े। एलिमेंट वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इसी में ऐड कर लीजिएगा, और यह फ्री स्टेट में रहता है। ठीक, इसमें तत्व के सूक्ष्मतम कण, तत्व के एलिमेंट के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम मीन्स परमाणु बोलते हैं। ये हो गया। अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एलिमेंट है तो भी क्लासिफिकेशन तो होना नेसेसरी है। अब क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितने टाइप्स के होंगे, इसको हम सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। एलिमेंट में ऐसे दीजिएगा, पहला हो जाएगा इसमें मेटल धातु, फर्स्ट सेकंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और धातु। जो धातु नहीं है तो क्या होगा, और धातु होगा। अब सेकंड है थर्ड, थर्ड में है उप मेटलॉइड, मेटलॉइड उप धातु। उपधातु वो होता है, इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। कभी कभी ये बिहेव करने लगेंगे मेटल की तरह, और कभी कभी बिहेव करने लगेंगे नॉन मेटल की तरह। अब मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया। अब धातु क्या होता है, और धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें मेन मेन पॉइंट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके एग्जाम में अगर आ गए, जैसे ये सब एलिमेंट के बाद, मेटल क्या होता है, मेटल जो होता है विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। और अधातु क्या होता है, विद्युत का कुशालक होता है। उपधातु में क्या दोनों प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाते हैं। मेटल में, जैसे मेटल में बात करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, ईटीसी किस में आ जाएंगे मेटल में। अगर नॉन मेटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन ईटीसी इसमें आ जाएंगे। और मेटलॉइड की बात करें सिलिकन आ जाएगा, सिलिकन, कार्बन, कार्बन, जर्मेनियम ईटीसी इसमें आ जाएंगे मेटलॉइड में, उपधातु में। ये सब का क्या बोले, ये सब के प्रॉपर्टीज होता है कि अगर यदि इसको, अगर सिलिकन को लेते हैं, सिलिकन सेमीकंडक्टर में आता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। सेमीकंडक्टर कहने का मीन्स ये होता है, अगर हम इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर दें तो ये बिहेव करने लगता है एक किसके, इंसुलेटर के तरह, इंसुलेटर
अगर इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो यही बिहेव करने लगेगा किसके तरह, कंडक्टर के तरह। कंडक्टर कहने का मीन्स क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कीजिए ना।